जय माँ काली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल पे। आज मैं आपको आपके खोए हुए प्यार को या फिर रूठे हुए प्यार को वापस लाने के लिए, मनाने के लिए बहुत ही शक्तिशाली टोटका बताऊंगा। इस टोटके में बीज मंत्र की शक्ति से आप किसी व्यक्ति के ऊपर किस तरह से अपना प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं और उसे अपने पास बुला सकते हैं, यह आप खुद एक बार करेंगे तो जान जाएंगे। तो आप सबसे अनुरोध है मित्रों कि इसका गलत प्रयोग ना करें, और जब इस विधि को करें तो आपको अटूट विश्वास हो जाना चाहिए कि वह आएगी ही, क्योंकि यह शक्ति इतनी शक्तिशाली है जिसे आप करने के बाद खुद जान जाएंगे कि इसका प्रभाव कितना ज्यादा क्षेत्र तक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको इस विधि को करने के लिए एक गीला नारियल लेना होगा, थोड़ा सा सिंदूर लेना होगा, और इस विधि को बुधवार को आप किसी भी समय कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जो नारियल है, नारियल के ऊपर आपको सिंदूर की स्याही बनाकर, सिंदूर को गीला कर लीजिए और उसकी स्याही बनाकर जो आपको बीज अक्षर डिस्प्ले में शो हो रहा है क्रीम, इसे लिख देना है। बस इतना लिख कर आप कहीं आसपास के नदी तालाब या फिर कोई भी झरना पोखर होगा वहां पास चले जाइए, जो जल हो, जहां पे जल विद्यमान हो, और उसके बाद इसे अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतारिए, और जितनी बार उतारेंगे वारेंगे उतनी बार उस व्यक्ति का नाम लीजिए, स्मरण कीजिए जिससे आप शादी करना चाहते हैं, वापस बुलाना चाहते हैं। और उसके बाद मन में संकल्प धारण कीजिए कि इसे करने के बाद वह आपको मिल ही जाएगी, आपके सिवा किसी और का ना तो होगा ना तो होगी। संसार की कोई भी शक्ति न तो आपसे उसे अलग कर सकती है ना ही आपसे जुदा कर पाएगी, अगर आपने अटल विश्वास कर लिया तो। और उसके बाद इसे आप जल प्रवाह कर दीजिए, इतना करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपका प्यार आपके सामने आ जाएगा, 1-2 दिन में ही आ जाएगा। जी हाँ, आप इसका गलत प्रयोग ना करें और तभी करें जब आप जरूरी हो। जय माँ काली।